नमस्कार दोस्तों, हेल्पफुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है कि पति और पत्नी में कौन ज़्यादा सफल होगा और किसका भाग्य सबसे ज़्यादा प्रबल होगा, वो हम आज की वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल के नीचे एक रेड बटन होगी, उसको क्लिक कर दीजिए। उसके बगल में रिंग बेल होगी, इसको प्रेस करें ताकि नई वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। समस्याएँ हो तो जो मेल कर दीजिएगा nitin549@gmail.com पर। चैनल के डिस्क्रिप्शन पर मेल आईडी है। लोशो की क्लासेस स्टार्ट है, वैदिक KP लाल किताब, टैरो, पामेस्ट्री, इन सबकी क्लासेस स्टार्ट है। आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपको नोट्स भी उपलब्ध हो जाएंगे। अब सबसे चलते हैं दोस्तों कि हस्बैंड और वाइफ में कौन दोनों सबसे ज़्यादा सफल होगा, ये हम आज की वीडियो में बताएंगे। दोस्तों यहाँ पे एक डेट ऑफ बर्थ है एक हस्बैंड की और एक वाइफ की। तो यहाँ पे हस्बैंड की जो डेट ऑफ बर्थ है 28 अक्टूबर 1985, वाइफ की डेट ऑफ बर्थ है 18 अक्टूबर 1994। यहाँ पे हस्बैंड का ड्राइविंग नंबर 1 है, कंडक्टर नंबर 7 है, वाइफ का ड्राइविंग नंबर 9 है और कंडक्टर नंबर 6 है। लोशो ग्रिड पे एक तरफ नज़र डालेंगे तो हस्बैंड का लोशो ग्रिड 88991127 और पत्नी का लोशो ग्रिड देखेंगे 48999116। बाकी के नंबर मिसिंग है। तो अब हम लोग को सबसे पहले जांच कैसे करें कि कौन ज़्यादा सफल होगा, कौन ज़्यादा असफल होगा और किसका लक इम्पॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले अगर आप देखें तो इन किसी हस्बैंड में इनका जो मूलांक है 1 अंक है, बहुत अच्छा है। सूर्य का अंक है, तेजस्वी पर्सन, हर जगह कोशिश करते होंगे। लेकिन यहाँ पे इनका 1 नंबर मूलांक है वही गड़बड़ हो गया है, यानी कि 111 हो गया है। तो ये भी इनको प्रॉब्लम रहती है करियर से रिलेटेड, इनको सोशल इमेज में कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी रहती है। अब फिर भाग्यांक भी देखें, कंडक्टर 7 है, 7 नंबर प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात ये आती है कि ड्राइविंग और कंडक्टर जो नंबर है 1 और 7 नंबर है, वो एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इनकी इमेज जो है और वो कहीं ना कहीं उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी और ये जो चीज़ चाहते हैं वो सही समय पर उपलब्ध नहीं होगी। 7 नंबर है तो आफ्टर 40 एज के बाद ही कहीं ना कहीं कामयाबी इनको मिलेगी, 43 एज के बाद, 43 के ईयर के बाद। चूँकि इनके पास अगर हम संख्या देखे जाए तो शुभ प्लेनेट की संख्या जो होती है 1, 3, 2, वैसे स्पेशली 3 और 2 इस प्लेनेट होते हैं, 3 नंबर और 2 नंबर बृहस्पति और चंद्र, और 6 नंबर भी शुक्र को भी देख लेते हैं, और 5 नंबर भी। तो यहाँ पे 5 नंबर तो है लेकिन ये बाकी नंबर 3 और 6 नंबर मिसिंग है, और 1 अंक जो इनका ड्राइवर है वही, यानी कि आपका कुंडली में कह दें लग्नेश ही कमज़ोर हो गया है। अब यहाँ पत्नी के ग्रिड में जरा एक बार नज़र डालते हैं तो इनका ड्राइविंग नंबर 9, कंडक्टर नंबर 6, दोनों ही फ्रेंड हैं 9 और 6। यहाँ पे 999 हो गया, इनका भी वही हाल है जो दोनों का, यानी कि दोनों का लग्नेश ड्राइवर नंबर कमज़ोर है। दोनों को अपने जीवन में इस कुछ ना कुछ पाने के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। और दूसरी बात, इनका मिडिल जो रो है 357 नंबर, वो भी मिसिंग है। तो इसके कारणवश इनको कोई ना कोई समस्या बनी रहेगी, बैलेंस नहीं है। और इनके साथ एक समस्या ये है कि 111 और यहाँ पे 999, दो चीज़ हो रही है, इनका सिर्फ एक ही बार है, बट इनके पास 4 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, ये सारे नंबर हैं और इनका ड्राइविंग और कंडक्टर एक दूसरे के फ्रेंड है। तो अगर लिहाजा देखा जाए तो सक्सेस रेट का रेशियो इनकी वाइफ का ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन इनका, क्योंकि इनके पास शुभ प्लेनेट की संख्या है और शुभ प्लेनेट की संख्या इनके पास 6 नंबर है, 1 नंबर है बट दोनों के पास ख़राब है। लेकिन इनको अपने पति से, जब ये अभी जब तक ये जुड़ी नहीं थी अपने पति से उतनी कामयाब नहीं थी, लेकिन जैसे ही पति से जुड़ गई तो कामयाब होने लगी, क्योंकि इनके पास इनके पति से इनको 2, 7, 2, 7 नंबर मिलने लगे, 5 नंबर मिलने लगे और 4 नंबर इन्होंने अपने पति को दिया। तो कहीं ना कहीं कामयाबी की रेट इनकी ज़्यादा बढ़ती चली गई। और चूंकि इनका ड्राइविंग और कंडक्टर दोनों ही 6 नंबर है, मतलब दोनों 9 और 6 हैं जो एक दूसरे के मित्र हैं, इस कारणवश से दोनों की समस्या सॉल्व होती है और सक्सेस रेट ये ज़्यादा है। तो इनकी वाइफ गवर्नमेंट में है और ये प्राइवेट में वर्क हैं इनके पास, और गवर्नमेंट में अच्छी पोजिशन है, बैंकिंग लाइन में है, मैनेजर हैं, तो ये ज़्यादा सक्सेस रेट है।
तो इस तरीके से हम लोग जान सकते हैं कि हस्बैंड और वाइफ में कौन सक्सेस होगा और कौन सक्सेस नहीं होगा। ध्यान रखिए कि हस्बैंड और वाइफ में अगर जब सक्सेस रेट देखना चाहिए तो आप ये देखिए कि आप एक पहले तो आपका ड्राइविंग और कंडक्टर आपका फ्रेंड होना चाहिए, प्लस जो नंबर होने चाहिए शुभ प्लेनेट जैसे कि 3, 6 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, 3, 6, 2, ये अंक हैं कि नहीं, कोई भी ग्रिड खाली तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे इनकी वाइफ का ग्रिड खाली है, लेकिन पत्नी के पति से जुड़ने के बाद इनका ग्रिड पूरा इनको बैलेंस कर दिया, जिसके कारण इनका सक्सेस रेट ग्रोथ काफ़ी बढ़ता चला गया। तो इस तरीके से हम जानते हैं कि हस्बैंड ज़्यादा लकी है कि वाइफ ज़्यादा लकी है। तो दोस्तों ये रही मेरी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। समस्याएं हो तो मेल कर दीजिएगा nitin549@gmail.com पर। चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, लोशो की क्लासेस स्टार्ट है, वैदिक, KP, लाल किताब, टैरो, पामिस्ट्री सबकी क्लासेस है, आप कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों हेल्प चैनल को देखने।